नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पेंशन रिवीजन को लेकर क्या अपडेट आई है उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ORP 2 रिवीजन के भुगतान तक की सारी डिटेल्स पर क्या अपडेट आई है उसके बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर ही प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधा आते हैं हम अपनी अपडेट पर। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में टाइम एक्सटेंशन एप्लीकेशन डाली गई थी, जो कि उन्होंने मांगा था समय, वो था आपका जो है 16 मार्च 2023 तक का समय सरकार ने मांगा था। लेकिन जो है PIB की रिपोर्ट आई इसी बीच, क्योंकि इस पर तो कोई सुनवाई हुई नहीं थी, ये फर्स्ट लिस्टिंग थी जो 2 जनवरी को रखी गई थी, उससे पहले ही PIB की रिपोर्ट जारी कर दी गई थी पेंशन रिवीजन को लेकर। तो अब जो है इस मामले को लेकर 2 जनवरी को हियरिंग नहीं हो पाई थी, उसके बाद अब इस पर क्या अपडेट आई है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी पेंशन धारकों के साथ शेयर ज़रूर कर लें, जिससे कि उनको भी सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं इसमें लिस्टिंग डेट जो है वो अपडेट कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 2 जनवरी को हियरिंग न हो पाने के बाद से इस पर कोई भी अपडेट नहीं आई थी कि हियरिंग क्यों नहीं हुई, या फिर आगे हियरिंग कब होगी, या फिर क्या कारण रहा। तो सभी चीज़ों को लेकर जो कन्फ्यूज़न थी वो क्लियर हो गई है, क्योंकि फाइनली डेट आ गई है कि 9 जनवरी 2023 को अब पेंशन डिवीजन को लेकर जो ये एक्सटेंशन केस है सरकार का, इस पर सुनवाई होगी। दोस्तों, ये केस क्योंकि काफ़ी सारे पेंशन धारकों का मानना है कि अभी तो PIB ने रिपोर्ट जारी कर दी, DESW का लेटर आ गया, तो फिर अब इस केस के क्या मायने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जब तक कि ये केस डिस्पोज्ड ऑफ या फिर इसकी जो है पूरा कंप्लीट ये नहीं हो जाता है, डिस्पोज्ड ऑफ नहीं होता है, तब तक आपका पेंशन रिवीजन का जो एरियर है उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। दूसरा, जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दिया गया समय था उसी के आधार पर रिवीजन होना था, तो जो कुछ मनमानियाँ सरकार ने अपने हिसाब से कर ली हैं, जैसे कि जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 महीने का समय दिया था एरियर भुगतान के लिए, लेकिन सरकार उसे 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स यानी 2 साल का समय बना रही है। तो ये कुछ एक गंभीर मुद्दे हैं जिन पर जो है IESM यानी इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, जिसके चेयरमैन मेजर जनरल सतवीर सिंह जी हैं, उन्होंने इस चीज़ के लिए अपील किया है कि जिस प्रकार से जो फॉर्मेट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था पेंशन रिवीजन उसी आधार पर होनी चाहिए, और अब इसको लेकर जो है 9/1/2023 को हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, अब इस हियरिंग का क्या असर रहता है, फैसला हमारे इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के हक में आता है या केंद्र सरकार के हक में, ये तो हमें 9 जनवरी को ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल इस पर डेट आ गई है, क्योंकि 2-3 दिन से तो हमारे पेंशन धारक कन्फ्यूज ही थे, क्योंकि 2 तारीख को हियरिंग नहीं हुई, उसके बाद कोई डेट नहीं आई, कोई अपडेट हमारे पास नहीं थी। अब फाइनली 9 जनवरी 2023 को इस पर जो है सुनवाई होनी है, और इसी सुनवाई में जो है हमें पता चलेगा कि क्या जो है नई दिशा हमारे पेंशन धारकों की रिवाइज्ड पेंशन को मिली है, क्योंकि अभी तक सर्कुलर PCDA की तरफ से जारी नहीं किया गया है और ना ही हमारे पास फाइनल टेबल्स है, क्योंकि आपका जो भुगतान किया जाएगा वो आपका फाइनल टेबल्स के अंतर्गत ही होगा, और रिवीजन भुगतान की किस्तें भी उसी के अंतर्गत शुरू की जाएंगी। तो दोस्तों, अब देखते हैं 9 जनवरी को इस पर क्या फैसला निकल कर आता है। तो दोस्तों, अभी के लिए तो यही अपडेट थी, आगे इस पर जो भी ऑफिशियली अपडेट रहेगी हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। तो सभी जो पेंशन धारक ORP 2 लाभार्थी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें। आप सभी को दिल से जय हिंद, जय भारत।